योगी आदित्यनाथ की अब बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव की जंग में जमकर हुंकार भर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने चार शहरों में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में गर्जना की। मुख्यमंत्री योगी ने महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी और कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। तो ये चार तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण की तारीख बहुत करीब है। वोटिंग से पहले चुनावी प्रचार जोरदार हो चला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज में शनिवार को मोर्चा संभाला। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की अगुवाई में बढ़ते भारत की कहानी बताई, ऑपरेशन कावेरी का जिक्र किया और जनता से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान किया। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो पैसा भी मिल रहा है, महाराजगंज में लाखों लोगों को आवास मिला है, गरीबों को लाखों लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी ने वाराणसी में भी निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। काशी की आवाम से वोट अपील में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी में वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। पहले काशी में योजनाओं को पूरा होने में 50 साल लग जाते थे। भारत ने इन 9 वर्षों में विकास की लंबी यात्रा भी करी, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हाईवे है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, वाटरवे है, आईआईटी है, आईएम है, अगले तमाम संस्थान बन रहे हैं और केवल शिलान्यास ही नहीं हो रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, एक समय सीमा के अंदर बनकर के तैयार हो रहे हैं। कुशीनगर में रैली के दौरान सीएम ने बताया कि कैसे बीजेपी सरकार में कुशीनगर तेजी से बदल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कुशीनगर में एक तरफ भूख से दूसरी तरफ रोग से मौत होती थी, लेकिन अब यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट विकास की नई इबारत लिख रहा है। देवरिया की 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायतों में भी प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ उतरे। उन्होंने देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में करीब 45 मिनट तक जनसभा को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवारों को पक्ष में वोट की अपील की और सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सपा और बसपा का फेल्ड इंजन प्रदूषण करता था, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार में विकास घर घर तक पहुँच रहा है। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नगर निकाय चुनाव का महत्व क्या है, ये जनता के बीच में बताने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार पहले से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की दुनिया के अंदर साख बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। कहीं भी दुनिया के अंदर कोई संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव के लिए 4 मई को पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 37 जिलों में वोटिंग होगी। मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सीएम योगी की रैलियां बढ़ रही हैं और चुनावी जंग जोरदार होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।